जैसमंद आइलैंड रिसोर्ट है ये, पूरा चारों ओर तालाब और बीच में ये आइलैंड है, वहाँ पे ये रिसोर्ट बना हुआ है। आपको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक जगह पे रुकना पड़ता है पहले, वहाँ पे आपकी कार या जो भी व्हीकल लेके आए वो पार्क करके फिर ये लोग ये बोट से यहाँ पे लाते, फिर आपको अपने रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एंट्रेंस है इसका, रिसेप्शन इस साइड पे है। पूरा ये रिसोर्ट आइलैंड पे बना हुआ है। उदयपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है ये रिसोर्ट। रास्ता काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आती। उदयपुर से यहाँ आने में इजीली 1-1.5 घंटे में आप आ सकते हो। ये रिसेप्शन एरिया है पूरा। बार है, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाए। तीन कैटेगरी के रूम प्रोवाइड होते हैं, सिल्वर, डीलक्स और विलास। काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट में कुछ भी चीज़ का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कुछ चीज़ का है स्पा वगैरह, बट वो जनरली कम लोग प्रीफर करते, बाकी ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड। आप जब भी चेकिंग करोगे तो उस दिन का लंच, फिर उस नाइट का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट तीनों इंक्लूडेड है। ये बैठने की जगह, बच्चों के लिए खेलने की जगह है, बहुत एंजॉय कर सकते हो। वीकेंड के लिए बहुत ही अच्छा है ये जगह। और एक्स्ट्रा सर्विस में आपको मॉर्निंग की टी आपके रूम पे ही मिल जाएंगी। ब्रेकफास्ट तो अवेलेबल है, पर काफ़ी लोग को ऐसा प्रीफर होता है कि भाई सुबह की चाय तो बेड पे ही होनी चाहिए, तो वो चीज़ पैकेज में ही इंक्लूडेड है। ये देखिए इसका रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होता है। अभी मैं आपको विलास बताऊंगा।
ये विला है जो सबसे महंगे रहते हैं वो। पूरा पहाड़ को काट के ये बनाया गया है रिसोर्ट। ये विला है और सेपरेट गार्डन जैसा मिलेगा। एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए पूरा ये लेक व्यू है, इसकी चारों ओर लेक है। ये सभी विलाज हैं। आपको इस रिसोर्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरी चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा। इसका जनरली आप बुकिंग गोवा विवो से करा सकते हो तो अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। गोवा विवो या फिर मेक माई ट्रिप में भी मिलता है, काफ़ी बार मैंने गोवा विवो से करवाया था। ये अभी सामने ऊपर दिख रहा है वो डीलक्स रूम है। ये रेस्टोरेंट का टॉप सेक्शन है, यहाँ पे आप भी जाके आप बैठ सकते हो, मज़े कर सकते हो। ये दिख रहा है, ये सब है डीलक्स रूम। परफेक्ट लेक का व्यू आता है यहाँ से भी, अगर आप विला नहीं लेना चाहते तो ये भी ले सकते हो। लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, तो थोड़े एजेड हो हम तो भी प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे भी इतना वॉक करने का है नहीं, लिफ्ट अवेलेबल है और बाकी थोड़ा बहुत तो अपना आपको चलना पड़ेगा। यहाँ से जाते हैं ये डीलक्स रूम की ओर। ये लिखा है रूम में फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। रूम के लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, रूम में क्या क्या है क्या नहीं है करके। ऊपर एक गार्डन जैसा है, स्पा और वो सब कर सकते हो आप। स्विमिंग पूल भी है, फिर इंडोर गेम्स एक्टिविटी है। अगर आपको खेलने का शौक़ है, ग्रुप के साथ आ रहे हो तो क्रिकेट वॉलीबॉल, अभी क्रिकेट का सामान नहीं है यहाँ पे और वॉलीबॉल सबका, पर आप खुद से लेके आ सकते हो, यहाँ पे खेलने का इंतज़ाम हो सकता है। तो ग्रुप में आ रहे हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। काफ़ी बड़ा है ऐसे तो। यहाँ पे देखो ये सब चीज़ अवेलेबल है। जकूजी आपने नया देखा होगा, ये एक बढ़िया सी है, लाइक छोटा सा अब हमारे घर में जैसे बात होता है, ये बात जैसा होता है, तीन चार लोग बैठ सकते हो और बबल्स जैसा होता है, पानी थोड़ा वार्म रहता है, अच्छा है। यहाँ पे होता है वो, ये गार्डन जैसा है, ये रहा स्विमिंग पूल सामने, और स्विमिंग पूल के ऊपर ही ठीक इंडोर गेम्स है लाइक टेबल टेनिस।